दीघा पुलिस ने अपराध की योजना बनाते हुए 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 5 अपराधी सारण जिले के रहने वाले हैं, जो पटना में किराए का मकान लेकर रहते थे और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने 5 को डकैती की योजना बनाते गिरफ्तार किया है। इनके पास से हथियार भी बरामद किए गए हैं। वही पुलिस ने इनके साथ चोरी की एक बाइक भी बरामद की है। घटना की जानकारी देते हुए पटना के सिटी एसपी ने बताया कि इनके गिरफ्तार होने से इलाके में होने वाली आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। दिनों में 2-3 आपराधिक घटनाएं घट गई थी। 6 तारीख को एक मूंगफली वाले को रात में 3 बजे गोली मार दी गई थी। उसके बाद कुछ लोग आपस में मजाक कर रहे थे, जिसमें गोली फायरिंग हो गई थी, जो एक आदमी को कमर में लग गई थी। और उसके बाद एक फ्लिपकार्ट की घटना भी घट गई थी, जिसमें 7 से 8 लोग जो है फ्लिपकार्ट के गोदाम में घुसकर कुछ पैसों का लूटपाट कर लिए थे। उसमें एक आदमी घायल भी हो गया था। हमारे द्वारा लगातार इन घटनाओं के उद्भेदन के लिए छापेमारी की जा रही थी। डीएसपी साहब के नेतृत्व में, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब के नेतृत्व में और दीघा थाना प्रभारी, पाटलिपुत्रा थाना प्रभारी, इन लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई गई थी, जिन्हें इस क्षेत्र में जितने भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी दी गई थी और इन सारे घटनाओं का उद्भेदन करने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। मूंगफली वाले को जिसमें गोली मारी गई थी, उसमें हम लोगों ने एक अभियुक्त को पकड़कर जेल भेज दिया है। 2 अभियुक्त जो है वो अभी भी बचे हुए हैं, उनकी तलाश चल रही है। उन्होंने ये एरिया छोड़ दिया है, लेकिन हम लोगों ने जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। इसी कड़ी में हम लोग कई बाइक चोरों को भी पकड़कर जेल भेजे। उनकी गिरफ्तारी से धीरे धीरे खुलता गया। ये एक गैंग जो है वो हमारे हाथ लगा। यह गैंग जो है यह डकैती की योजना बना रहा था। इन लोगों ने पहले पूर्व में चोरी की हुई गाड़ी का उपयोग किया था। चोरी की हुई गाड़ी जो पकड़ाई है उसमें तो जेल भेज चुके हैं हम लोग। इनके पास से एक हथियार, 2 मैगजीन, 2 गोली बरामद हुए हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनका नाम है, एक है बिलिंद कुमार और रोहित कुमार, जो कि सारण जिला का रहने वाला, सभी सारण जिले के रहने वाले हैं, सभी 5 सारण जिला के रहने वाले हैं। रजनीश कुमार, अमर कुमार उर्फ बाबा, अमर कुमार उर्फ रोहित, सुमित कुमार उर्फ मंगल, ये 5 यहाँ पर दीघा थाना क्षेत्र में इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।